एसीबी ने 80 लाख का टैक्स माफ करने के बदले में 3 लाख रुपए की घूस ले रहे मनपा के कर संग्राहक और साइबर टेक कंपनी के सुपरवाइजर को रंगे हाथ पकड़ा है। जरीपटका के हेमू कॉलोनी चौक पर हुई इस कार्यवाही से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी कर संग्राहक सूरज गणवीर और इंदोरा भंडारा मोहल्ला साइबर टेक का सुपरवाइजर रविन्द्र भावराव बाकड़े गणेश नगर अपार्टमेंट कोराडी है। जरीपटका निवासी रामचंद जेठानी का नारी में गंगात्री लॉन है। यह इलाका मनपा के आसी नगर जोन में आता है। मनपा नियमानुसार किसी भी जमीन पर पहली बार 6 साल का कर निर्धारण किया जाता है। इसी कड़ी में आरोपियों ने 7 अप्रैल जेठानी को कर निराकरण का नोटिस जारी किया। उन्होंने 28 अप्रैल को 80 लाख का टैक्स मेमो किया। उन्होंने गणवीर और बागड़ी से चर्चा की। उन्होंने 6 लाख रुपए की मांग भी की। जेठानी की असमर्थता जताने पर आरोपी पहले 4 लाख तथा बाद में 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जेठानी से कहा कि 3 लाख रुपए दिए जाने पर पूरा मामला खत्म हो जाएगा। जेठानी ने एसीबी अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर से शिकायत की। जबकि मेरे पास 8-10 हजार रुपए से ऊपर टैक्स नहीं निकाल सकते नागपुर महानगर पालिका, इतना मुझे अंदाजा था। फर्जी देखते हुए मैंने इंटीग्रेशन में कंप्लेंट किया कि मुझे पैसे देना ही नहीं था, मेरे पास निकलता ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो मैं क्यों दूंगा। 6 लाख रुपए से करते हुए 3 लाख रुपए में आज उन्होंने सेटलमेंट किया, जबकि इंटीग्रेशन ने खुद आज के रेड मार दिया। आरोपी आज शाम जेठानी के हेमू कॉलोनी चौक स्थित निवास पर रुपए लेने पहुंचे, तभी एसीपी दल ने रुपए लेते ही आरोपियों को दबोच दिया। कर निर्धारण के नाम से मनपा में सालों से करोड़ों की उगाही चल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर गुलानी गत दिनों मनपा आयुक्त से मुलाकात कर इसकी शिकायत भी की थी। मनपा आयुक्त ने इस साल से QR कोड प्रणाली लागू करने का आश्वासन दिया था। QR कोड स्कैन करते ही संपत्ति तथा कर का ब्यौरा और फोटो आ जाएगा। नागपुरच्या एंटी करप्शन ब्युरो या कार्यालयामध्ये दिनांक 7/5/2021 रोजी गंगोत्री रिसॉर्ट लॉन्चे जे मालक आहेत ठाकूरदास रामचंद्र जेठवानी हे या ठिकाणी कार्यालयात एका लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी आलेले होते। ते आमचे मॅडम जे आहेत SP मॅडम नांदेडकर मॅडम यांना भेटलेत। मॅडमांनी त्यांच्या दालनात बोलवून सदर व्यक्तीची तक्रार नोंदून घ्या आणि योग्य ती कारवाई करा असे आदेश दिल्याने दिनांक 7/5/2021 रोजी आपण ठाकूरदास यांनी दिलेली तक्रार नोंदून घेतली। तक्रारीत त्यांनी म्हटलेलं आहे की त्यांचा जो लॉन आहे त्या लॉनवर नागपूर महानगरपालिकेने 79,41,692 रुपयाचा जो टॅक्स लावलेला आहे तो टॅक्स कमी करून देण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी मदत करण्याकरिता आसीनगर झोनचा जो टॅक्स कलेक्टर आहे सूरज गणवीर व त्याचबरोबर रविंद्र बागडे आणि सूरज गणवीर यांनी ते काम कमी करून देण्याचं जो टॅक्स कमी करून देण्यासाठी त्यांच्याकडे 3 लाख रुपयाची मागणी केलेली आहे। अशी तक्रार आपल्याकडे नोंदवल्यानंतर आपण पंचांच्या समक्ष तक्रारदाराला दोघांशी बोलणी करण्यासाठी पाठवले, लोकसेवकांकडे बोलणी करण्यासाठी पाठवलेलं आहे आणि लोकसेवकांनी त्यांच्याकडे बोलणी केलेली आहे आणि ते काम करून देण्यासाठी संयुक्तरित्या त्यांनी 3 लाख रुपयाची मागणी केलेली आहे। व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर रीतसर आपण त्यांना सापळा पार्टी त्या ठिकाणी लावलेली आहे आणि सापळा लावल्यानंतर सूरज गणवीर जो आहे हा 3 लाख रुपये घेताना आपल्याला रेड हँड सापडलेला आहे। त्याला आपल्या अँटीग्रप्शनच्या टीमने नागपूरच्या अँटीग्रप्शन टीमने त्याला रंगेहात ताब्यात घेतलेला आहे आणि तिथूनच काही अंतरावर 100 ते 200 मीटर अंतरावर असलेला जो मॉल आहे त्या परिसरामध्ये आपण रवींद्र बागडेला सुद्धा ताब्यात घेतलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।